नमस्कार दोस्तों, आज बनाने जा रहे हैं हम दाल और बाटी। आप देख रहे हैं मिस्टी ब्लॉक एंड कुकिंग चैनल को। इसके लिए हमने 350 ग्राम तुअर दाल ली है। हमने लिए हैं 10-15 हरी मिर्चें, 3 देसी टमाटर, 6-7 छोटी छोटी प्याजें ली हैं। प्याज हमारी लाल हैं, लाल वाली, सफ़ेद वाली प्याज नहीं है। थोड़ा सा आमचूर लिया हमने, खड़ा आमचूर लिया, इसको भिगो लेंगे। 2 लहसुन की गांठें ली हैं। कटोरी में पानी लेके हमको आमचूर को भिगोना है 10 मिनट के लिए। जब तक ये भिगोता है तब तक और मटेरियल तैयार करते हैं। प्याज को हमने बारीक काटना है। इस तरीके से प्याज हमने बारीक काट लिए, जाना प्याज इस तरीके की हमने बारीक काट लिए, ज़्यादा बारीक नहीं है। प्याज हमने ज़्यादा ही लिए क्योंकि दाल बाटी में प्याज का उपयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, बस अब काटेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्च थोड़ी बारीक काटनी है अपन को। ठीक है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं रखना अपने को हरी मिर्च। थोड़ा तीखा अपन के लिए मिर्ची है, मैंने ज़्यादा ली है, आप चाहो तो कम ले सकते हैं। तो हम लहसुन को कूटेंगे फल पत्ते से। लहसुन हमने कूट लिया, बारीक लहसुन कूट लिया है। खड़े मसालों में हमने लिए हैं तेज पत्ते, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, कड़ी पत्ता। बाटी बनाने के लिए 1/2 किलो हमने लिया सूजी, यानी कि रवा आप बोल सकते हैं, और 300 ग्राम के करीब हमने लिया बेसन। ये सही मेजरमेंट है, 300 ग्राम के करीब, 350 ग्राम के करीब हमने लिया आटा। ये तीनों को मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। मिक्स कर लेना है हम अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे इसमें क्रश करके इसी तरह। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, नमक अपने हिसाब से डालना है आपको। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच घी डालेंगे हम इसमें, 2 चम्मच के अंदाज में। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। पानी डालेंगे, जितना आपने को लगता है उतना ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी आपको डालना नहीं है, जितना डालना है कि डो बन जाए अच्छी तरह से, बाटी का डो बन जाए उतना ही पानी डालना है, क्योंकि सूजी पानी को पीती है। इतना टाइट आपको आटा लगाना है, इससे डो बन जाएगा। इसको अभी थोड़ी देर के लिए ढक के रखना है अपने को, ढक के रख दिया है, जब तक सूजी अपना फूल जाएगा। 1 कप के अंदाजे में हमको तेल डालना है दाल बनाने के लिए। जीरा डालेंगे हम, तेज पत्ता, दालचीनी, कड़ी पत्ता, काली मिर्च, लौंग, मसाले, खड़े मसालों को पकने दें, लहसुन का पेस्ट डालेंगे कुटा हुआ,
लहसुन को पकने देंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च को पकने देंगे, मिर्च पकने लगी हैं, बारीक कटी हुई अब हम प्याज डालेंगे। मिर्च, प्याज और मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे खड़े मसाले के साथ में। दाल में कुछ नहीं, सादा सिंपल है, पर मसालों को भुजाई करना ही आपको। मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो दाल अपने आप ही स्वादिष्ट बन जाएगी। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक दो चम्मच मिर्च, नमक स्वादानुसार लिया है हमने। ये मसाले तैयार हैं। आमचूर, खड़े आमचूर हमने भिगो के तैयार कर लिए, अब इसको हम डालेंगे। लवंग, प्याज भी पक गई है थोड़ी बहुत, कच्चा पन वो भी दूर करना है। उसके बाद हम आमचूर डालेंगे इसमें। अब डालेंगे हम आमचूर, तुरंत ही बाद हम मसाले डालेंगे, सभी मिक्स किए हुए मसाले। इन मसालों को भूनना है, थोड़ा सा पानी डाल के। अच्छी तरह से मसालों की भुजाई करनी है, जब तक भुजेंगे नहीं तब तक स्वाद नहीं आएगा दाल में। हमारी तरह दाल बनाकर मसाला थोड़ा बहुत पक चुका है, उसके बाद हम डालेंगे टमाटर इसमें। बारीक टमाटर, कटे हुए टमाटर डालेंगे। अब डालेंगे हम इसमें टमाटर, टमाटरों के साथ में मसालों को भुजना है अच्छी तरह से। मजा आ रहा है। साथ ही थोड़ा सा पानी और डाल देंगे हम इसमें, मसाले लगे ना। अब इसको, ग्रेवी को हमको अच्छी तरह से पकाना है। मसाले अब हमारे भुन चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे दाल। दाल डालेंगे इसमें हम। अब इसको हमको खदकाना है अच्छी तरह से, थोड़ा पानी और डालना है इसमें हम। दाल क्योंकि पतली रखनी है बाटी के लिए, दाल पतली ही चलेगी। दाल हमको पतली ही रखनी है क्योंकि बाटी में दाल सबसे ज्यादा लगती है। याद रखना है पानी अपन को उगला हुआ पानी डालना है। थोड़ा कम पानी में थोड़ा और डालना है। इस तरीके का रखना है अपन को, बस इससे ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, ये तो मज़ा नहीं आएगा, पर पानी पानी चमकेगा इसमें। इस तरह की बाटी का डो बना के तैयार करना है। ये बाटी का साइज रहेगा अपना, क्योंकि ये फूल के डबल हो जाएगी। ठीक है, बाटी हमारी सारी बन चुकी है, जब तक देख लेते हैं हमारी दाल बन चुकी होगी। दाल हमारी बन चुकी है,
उबलते हुए पानी हम इनको डो को डाल देंगे। उबालना है अच्छी तरह इनको। बाटी को इसमें पानी में उबाल लेंगे अच्छी तरह से। ऐसे सेकना यानी कि इनको अंदर से पकाना है। पानी में तो उबाल लिया, इनको कंडों पे सेकना है हमको। बाटी को हमको कंडों की आग पर पकाना है। बाटी हमारी अब सिक चुकी हैं। बाटी हमारी सिक चुकी हैं, कंडे पर सेकी थी आग में। इनको साफ कर लेंगे हम कपड़े से, साफ कपड़े से इसको फोड़ कर चेक करें। पक चुकी है हमारी बाटी। अब इसमें हम डालेंगे घी। दाल बाटी हमारी बन चुकी है, कंप्लीट है।